इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे लगता है सबसे पहले तहरीक से जबर भाई का हम लोग जोर से तालियां बजा के कांग्रेचुलेशन करना चाहिए। चार्ज लेने के बाद उन्होंने पहला फंक्शन अपना बेलगांव में रखा है और हमारे बेलगांव को एक न्याय दिया है और मुख्यमंत्री शिव कुमार जी के आशीर्वाद से आपको यहाँ पर ये बेलगांव का फंक्शन जो रखा है उसके लिए हमारे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री डीके शिव कुमार जी, वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद जी, हमारे जिले के ही वर्किंग प्रेसिडेंट हम सबके लाडले चहेते नेते श्री सतीश अन्ना जारकीहोली जी, यहाँ पे उपस्थित सभी एमएलए रहीम भाई, रिजवान भाई, लक्ष्मी भाई, फतिमा जी, तनवीर सेठ जी उपस्थित, हमारे नजीर भाई साहब, एक्स मिनिस्टर मुख्य वाणी हमारे एडी पाटिल जी, जिनके वजह से आज एक बहुत बड़ी खुशी हमारे खाना को हासिल हुई है। सीएम इब्राहिम साहब, विकुमार पाटिल जी, सिटी के अध्यक्ष राजू सेठ जी, नए चुन के आए हुए हम सबकी मेहनत का रंग, आप सबके आशीर्वाद का रंग, हमारे एमएलसी युवा चंद्रा झाटीवाली जी, उपस्थित सभी भाइयों का और बहनों को एक प्यार भरा नमस्कार। स्टेज के ऊपर उपस्थित सभी हिंदियों के मुखंड के नमस्कार। आज ज्यादा बात नहीं करूंगी, दो मिनट में, क्योंकि इतनी खुशी हो रही है आज और ये फंक्शन अटेंड करके। खुशी की बात यह है मेरे लिए कि आज जेडीयू से लेके जिन्होंने खानापुर में एक दुरा संभाली थी, जेडीयू के वो तीन बार एमएलए कैंडिडेट रहे थे, जेडीएस के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं खानापुर के, भाग्य लक्ष्मी शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन रह चुके हैं, ऐसे हमारे अंजुमन खानापुर के जमात के चेयरमैन रियाज भाई पटेल आज जेडीएस छोड़ के हमारे कांग्रेस के फैमिली में साथ के आशीर्वाद से आ रहे हैं। उनका प्रवेश, मेरा भाषण खत्म होते ही हम करेंगे, लेकिन उनका प्रवेश का घोषणा मैंने इसलिए पहले किया क्योंकि हर बार इलेक्शन आते ही जेडीएस से कोई ना कोई मुसलमान भाई को बिठाते हैं, गुमराह करके बिठाते हैं। अभी तो नया शुरू किया है एमआईएम करके, तो मेरे यहां बैठे हुए सभी भाइयों से एक ही गुजारिश है, इनके झकोसले में मत आइए। ये बस हमें कांग्रेस परिवार को तोड़ने की बातें करते हैं, ये बीजेपी का बीटीम का ही काम करते हैं। हर जगह पे कहीं पे आप खड़े हो रहे हैं, कहीं पे टीएमसी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अभी यूपी में भी अलग अलग सब चल रहा है, गोवा में अलग चल रहा है। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाह रही हूँ, कर्नाटक में 2023 को कांग्रेस की सरकार आएगी, डीके शिव कुमार जी के नेतृत्व में, सीएम लीडर सिद्धरमैया जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव जीतेंगे। कल ही जब ये एंटी करप्शन का बिल जब टेबल किया अपने मुख्यमंत्री ने, एक मिनट भी नहीं लगाया, एक मिनट भी नहीं सोचा, ऐसे हमारे नेता डीके शिव कुमार जी ने उनके सामने वो बिल ऐसे फाड़ के असेंबली में बिल फाड़ के उनके मुंह पे ये बोलते हुए कि ये हमारे परिवार को तोड़ने की बातें बीजेपी वालों की नहीं चलेगी और ऐसे सरकार को, ऐसे बिल को हम मान्यता नहीं देंगे। लेकिन मुझे पता है जैसे पार्लियामेंट में मोदी जी आए नहीं, यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन बिल तो वैसे भी वो पास करेंगे, लेकिन उन्होंने एक भरोसा दिया है हम सबको इस बार पास करके ले ले, तो एक साल हम सह लेंगे, जितने चार साल, पांच साल, सात साल इनके झूठे वायदों को हम सह ले चुके हैं, एक और साल
भी सभी की है, परिवार को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि हमें भी बहुत चिढ़ाते हैं, आप हिंदू हो या बीजेपी वाले बहुत चिढ़ाते हैं, कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी, आप हिंदू हो जो लोगों के वहां कहा जाते हो। मैं आज इस मंच से सभी भाइयों को और वो बीजेपी वालों को बताना चाहती हूँ कि जो हम हिंदुत्व बोलते हैं, आपका हिंदुत्व हमारा नहीं है, हमारा शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज है, जिसका अंगरक्षक एक मुसलमान भाई था, और जो अंगरक्षक का मुसलमान भाई रख सकता है वो शिवाजी महाराज के फॉलोअर्स और वंशज हम है। ये बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, खुले आम सहे दिल से हम ये बोलना चाहेंगे कि 18 जातियों को संभालने वाला वो मेरा राजा था, उसमें सबसे पहला मुसलमान भी था, सभी थे। ये बीजेपी वालों का हिंदुत्व हमें नहीं चाहिए, तो अभी सभी भाइयों और बहनों को इस मत से गुजारिश करना चाहती हूँ, एकजुट रहेंगे तो साथ रहेंगे, बीजेपी के झकोसले में आएंगे तो अपना वोट तो गवाएंगे, अपना घर भी गवा कर बैठेंगे हम, और हमारा घर नहीं दिखना चाहिए, इसलिए आप सब लोग एकजुट के कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। ये कह के मुझे इतना मत दिया आपने बात करने के लिए। बोलो भारत माता की, वंदे। सलाम अलैकुम। डायस के ऊपर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री डी के शुक्मार साहब, हमारे जिले के कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री सतीशना जानकीवली जी, नए नए एमएलसी बने और एक वर्किंग प्रेसिडेंट, हम बहुत उनको फॉलो करते हैं, चाहते हैं सभी भाई इब्राहिम सर, जब्बार सर, रिजवान भाई, रही भाई, फातिमा जी, अंजलि ताई, एबी पाटिल सर, फिरोज सर, अपने मैसूर के हमारे भाईजान सेठ साहब, वीर कुमार सर, हम हमारे पीर साहब को हमेशा हमारे अबू के स्थान रहते हैं, पीर साहब राजेश सर, मेरे भाई चंद्रा छत्तीवड़ी, उपस्थित सभी गण्यमान्य, हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उपस्थित सभी लोगों को बधाई देती हूँ, और आयोग हमारे रिपोर्ट्स भी हैं मेरे भाई लोग, बहुत सारे लोगों की बातें हुई, मैं सुन रही थी, रिजवान भाई से मेरी बातें हो रही थी, सभी लोगों ने आज अपने दिल के बातें आप लोगों के सामने रखे, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं आपका वक्त दूंगी, इतना बोलूंगी कि बीजेपी हमको तोड़ने की कोशिश करती है और कांग्रेस पार्टी हमको जोड़ने की कोशिश करती है। आज मेरे क्षेत्र में मुसलमान भाई, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, लक्ष्मी हेपालकर को घर की बेटी समझते हैं, कांग्रेस को ना जाति है ना पात है ना धर्म है, कांग्रेस को हमेशा बसवना के तत्व में, अंबेडकर के तत्व में, पैगंबर के तत्व में विश्वास रखने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। हाँ, शक की नजर से जरूर देखा जा रहा है, लेकिन शक की नजर क्यों देखा जा रहा है आप लोगों को सबको पता है, आपको समझदार हो, समझदार तो इशारा काफी है, यही इशारा करूंगी, आप एकजुट होके आने वाले दिनों में ये जो ताकत है हमको तोड़ने की, जो लगातार कोशिश कर रही है, ये ताकत को सबक सिखाने की वक्त बहुत नजदीक आया है। 2023 में इंशाल्लाह कर्नाटक राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता जरूर है, और जितने भी मेरे माइनॉरिटी भाइयों के ऊपर आज तक अन्याय होता पिछले 7.5 सालों में देश भर में, और 2.5 सालों में जो राज्य में चला आ रहा है,
बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपका शेयर, मैं जरूर और एक बार अर्ज कीजिएगा, वो मैं रिकॉर्डिंग करके रखूंगी क्योंकि खासकर वो शेयर मेरे ऊपर भी लागू होता है। हमारे जिले के लीडरशिप सतीश नाजारिया के नेतृत्व में पार्टी आज बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले दिनों में हम आश्वासन नहीं देंगे हमारे पीसीसी अध्यक्ष को, हमारे जितने भी इधर लीडर बैठे हम आश्वासन नहीं देंगे, हम रिजल्ट देंगे, ये वादा रहा हम। नींव तो आप लोगों ने रखा है, सिर्फ उसको पानी डालना है, फसल अपने आप मिलेगा और सब मिलजुल के बांट के फुलकाएंगे। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सभी को धन्यवाद करूंगी और डरिएगा मत, साथ में लड़ेंगे और ये लड़ाई जरूर हम जीतेंगे। खासकर जब्बार सर और उनके टीम को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इधर प्रोग्राम बनाया, हम सबको एक ही बार मंच पे लाया और खास करके मेरे कानापुर के भाई जो रियाज भाई, जो उनकी टीम सभी आज कांग्रेस परिवार में शामिल हुए, उनको मैं उनका मैं स्वागत करती हूँ और एक बार सभी का धन्यवाद बोल के मैं अपना छोटा सा भाषण खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।